नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि काला हजारा यानी काला काली जाफरी, इसको काला हजारा भी बोलते हैं, काली जाफरी भी बोलते हैं, इसकी पैदावार कैसे की करें और कितना मुनाफा देते हैं और इसकी रोपाई किस प्रकार करें, वो आज इस वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा। आप इसकी काले हजारों को आप क्यारी बना के भी कर सकते हो और ड्रिप के अंदर भी, दोनों तरह ही ऑप्शन है, दोनों तरह से आप कर सकते हो। ये करीबन अभी जनवरी का महीना चल रहा है, इसका भाव 35 से 40 रुपये पर किलो है और ये हर 30 दिन में इसकी तुड़ाई हो जाती है। एक बार तोड़ने के बाद में 30 दिन बाद में आप इसकी तुड़ाई कर सकते हो। ये और ये काफ़ी अच्छे फूल होते हैं, ये माला बनाने के लिए काफ़ी काम आते हैं, इसके गजरे भी बनाए जाते हैं। और आप ड्रिप में लगाओ तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपकी जो ड्रिप की पाइप है उसको बीच में रखो और दोनों तरफ जो पेड़ है वो दोनों तरफ लगा दो और इनके बीच मध्य की, दोनों पेड़ों के बीच के मध्य की दूरी करीबन आधा फिट के अंदर रखो और आधा फिट के आगे दोबारा फिर लगा दो। और ये अच्छी फसल है और इसको तोड़ने भी इतनी काफ़ी दिक्कत नहीं आती और ये करीबन 3 महीने तक चलती है। और एक बार पेड़ पौध रोपने के बाद में करीबन 35 से 40 दिन के बाद में आप इसकी पहली तुड़ाई कर सकते हो। और ये एक बढ़िया ऑप्शन है फूलों की खेती। इसका भाव जनवरी से फरवरी के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि जनवरी से फरवरी के अंदर जो भी शादी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इसके इसलिए इसका भाव जनवरी से फरवरी में ज़्यादा रहता है, इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। हमने हर चीज़ का फूल लगा रखा है। इससे पहले पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने सफ़ेद सफ़ेद रूकड़ी सफ़ेद फूलों के बारे में बताया था और वो भी वीडियो देखने के लिए मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हो। ये करीबन हमारे खेत में आधा बीघा के अंदर ये फूल है, वो करीबन अच्छी पैदावार है। इस फसल का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें जो दवाई लगती है ना वो बहुत ही कम मात्रा में लगती है और इसमें खाद की ज़रूरत होती है, वो टाइम टाइम पे खाद देना चाहिए। और दवाई तो इसमें 1 से 2 बार ही लगती है, वो भी आपकी इच्छा हो तो, वो पेड़ में कोई रोग दिखाई दे आपको तो आप इसमें दवाई का स्प्रे कर सकते हो। और ये जो सारी फसल है वो ड्रिप सिस्टम के अंदर है, आप चाहे तो आपके पानी अच्छा हो तो आप इसको क्यारी बना के भी कर सकते हो, लेकिन जो इसका बीज लाओ वो अच्छी क्वालिटी का लाओ, मोटे फूल आने आने वाले बीज लाओ क्योंकि इसकी डिमांड मोटे फूल रहते हैं ना उसकी ज़्यादा होती है, छोटे फूलों की बहुत कम रहती है।